चलते चलते गाने याद आ जाते हैं यार। भाई मूंगफली खा रहा था ये, ठीक इनको देखो कैसी मूंगफली है ये। भाई मूंगफली खा रहा था ये, ठीक इनको देखो कैसी मूंगफली है ये। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। और भाई पीछे टेंट और पीछे ये नज़ारा, मज़ा आ गया था देख के। और कुछ ऐसा नज़ारा भाई सुबह सुबह का है ना। और मार्केट सुबह सुबह भाई जल्दी लग जाती है यार, हाथियों को देख ले है ना। यहाँ की थी कैंपिंग, स्वीटों को लगा दिया था यहाँ लोग। भाई लो जी चल दिए हैं। और भाई सुबह सुबह ठंडी तो हल्की हल्की, लेकिन हवा पूरी तेज़ है। और सामने की हवा है, तीन दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, सामने फ्लैग भी दिख रहे होंगे, उनसे ही पता चल रहा है कि सामने की हवा है। लेकिन करें तो करें क्या, कुछ नहीं करना, चलना ही है। भाई सुबह सुबह है ना, इधर ज़बरदस्त छोंक मारा है मेरे बेटे, दूर थी मैं एक दावा कि मच्छी है कि नारी। देखो यार कितनी अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। देखियो भाई बैठने की जगह है, कितनी ज़बरदस्त बना रखी है। स्वीटों को यहाँ खड़ा करके ये कुछ जगह है, यहाँ बैठ के है ना मूंगफली खाते हैं। और दिखाऊं दोस्तों, मैंने दोस्तों अपलोड है ना सुबह 7 के आसपास लगा था, वैसे 4 GB के आसपास का है भाई ब्लॉग, 83% हुआ। अभी 25 मिनट और दिखा रहा है रिमेनिंग, जबकि मैं जो टाइम डाल रहा था अभी उससे थोड़ा लेट हो गया यार। तो कर लिया करो यार एडजस्ट भाई की बातें थोड़ी, तो लाइक शेयर करते रहा करो है ना। और दोस्तों आप बता दो, कुछ एडवाइस आप देना चाहो कि भाई वीडियो में ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो प्लीज़ आप अपनी एडवाइस कमेंट करके मुझे बता सकते हो। कोशिश करूँगा मैं आपकी एडवाइस को एक्सेप्ट करूँ और उस पर मैं वर्क करूँ, थोड़ा काम करूँ, जितना भी हो सकता है मैं उतना काम करूँ। अभी मूंगफली खाते हैं, पानी पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। 2 घंटे हमें चले हुए हो गए, 2 घंटे के बाद करना ही होता था रेस्ट। भाई मूंगफली खा रहा था ये, ठीक इनको देखो कैसी मूंगफली है ये। आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसी मूंगफली होती हैं। देखो भाई ऐसा कलर है, मैंने सोचा कहीं कुछ ख़राब ना होगी हो, मैंने 2-3 और तोड़ के देखी ना, जब देखा कि यार सभी का सेम ही है। तो ऐसी मूंगफली मिलती है भाई थाईलैंड में। और थैंक यू भाई, कल जो गोरखपुर से थे भाई उन्होंने दी थी मुझे, थैंक यू सो मच। हेलमेट उतार लेता हूँ, हेलमेट तो उतारना ही ध्यान नहीं रहा, अभी याद आया है। अब इसमें देखा कि हेलमेट पहन रखा मैंने, हेलमेट उतार के आराम से बैठ के 10-15 मिनट के बाद चलेंगे भाई यहाँ से। करते हैं भाई इस जगह को बाय बाय, मुझे बहुत पसंद आई भाई। अगर शाम का टाइम होता ना तो मैं यहाँ पे कैंपिंग करता भाई पक्का श्योर। और 1 घंटे के आसपास लग गया टाइम, क्योंकि भाई वीडियो अपलोड हुई उसमें थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद वो शेयर वेयर की यार, तो टाइम तो लग ही जाता है। अब चलते हैं आगे। देखिए भाई सामने महात्मा बुद्ध की कितनी बड़ी है भाई प्रतिमा, काफी अच्छा लगा देख के। भाई 1 बज गया है और धूप जबरदस्त हो रखी है, ईंटों को यहाँ लगाया है, सामने की हवा चल रही है भाई और बिल्कुल थाई है ना भर गई है। और 1 बज गया, वैसे भी 1 बजे रेस्ट करते ही हैं, तो थोड़ा रेस्ट करता हूँ भाई फिर यहाँ से चलेंगे। ऐसी जगह है तो लास्ट हम रुके थे ना जहाँ पे, कुछ ऐसी जगह है, अच्छा लगता है यार ऐसे। देखो
भाई स्वीटो को भी यहीं लगा दिया, बेचारी धूप में खड़ी होती, काली हो जाती तो, इसलिए स्वीटो को है ना यहीं पे लगा दिया। छाव ठीक किया ना, ठीक कराया तो बता जरूर दिए कि भाई ठीक करा, स्वीटो का ज़्यादा ध्यान रखा करो अपने। लो भाई 2:48 हो गए हैं, अपनी स्वीटो खड़ी आराम से, और हम भी काफ़ी रेस्ट किया, सो गया वैसे सच बताऊँ तो, सही नींद आई 1 घंटा, अच्छा सही लंबा जो टाल आ गया, मज़ा आ गया। यही पे नाश्ता करेंगे ब्रेकफास्ट करेंगे, मूंगफली खा ली थी सुबह सुबह वैसे करके चला था, ब्रेड थे, ब्रेड पे लगा का अपने केचप, जाम तो है नहीं भाई, केचप ही लगाता हूँ, मज़ा आ जाता भाई उसमें भी, लगा के केचप अरे खा पी के भाग लिया। फिर मूंगफली खाई थी थोड़ी, खा ली, पता नहीं होटल कहाँ मिलेंगे, क्योंकि सबसे है ये मैं बोलता हूँ कि मुझे है ना केवल राइस पोटैटो और ओनियन दे दो, वो कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं, साथ में आपने और भी कुछ लेना पड़ेगा, तो वही है, तो मैं कहता हूँ ना ना वो दे दो मुझे, अब देखते हैं कौन देता वो कौन नहीं देता है, जो देगा खा लेंगे भाई, ना देगा थोड़ा और आगे देख कर पूछ लेंगे, है ना, ना ही कोई देगा तो मैं बैग में ज़रूर ले रहा हूँ, पहुँच गए पटक दिन कैटल में बोलूँगा और आराम कर। मौसम देखो आप, जब धूप निकलती है ना इतनी ज़बरदस्त निकलती है कि एकदम से स्किन को जला रही हो जैसे, देखो अब आगे धूप अभी साथ के साथ में छाव आ जाएगी, और ये डबल डबल ट्रक चलते हैं भाई बहुत ज़्यादा, गाड़ी एक नंबर की है यहाँ पे, कुछ गाड़ियाँ तो इतनी प्यारी हैं कि उनको तो चलाने का ही मन ना करे ऐसे करे कि घर पर रख ले बस। चलते चलते गाने याद आ जाते हैं यार, फिर फोन में चलाता हूँ कुछ मिनट चलाता हूँ फिर बंद करके आके चला जाता हूँ। कौन भाई चाहता है कि ये तिरंगा विश्व में ऐसे लहरे जैसे अब लहर रहा है, जो ये चाहता है वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना भाई। भाई सामने ये छोड़ के गए हुए हैं यहाँ पे, जो लेके जा सकता है ले जाओ, क्या लिख रखा पता नहीं, और ये काफी जगह हाल ही है। थैंक यू लेवा गुड़िया है ना, मुझे बर्फ दे के गई है, ये नहीं पता कितने की है, ये जितने की भी है ठीक है, और यहाँ पे खा रहे हैं स्वीटो कर दिया यहाँ पे खड़ी, और टाइम देखो आप पे 4:03 हो गए हैं भाई, 4:03 लेकिन ये है दिन में सुबह तो खा के चलता ही हूँ, दिन में कुछ नहीं कुछ खाता रहता हूँ क्योंकि मैं रखता ही हूँ। अरे ये देख ले बच्चा है ना, देखा देखो भाई स्टैचू बना रखा साइकिल का, और कोई साइकिल की शॉप भी नहीं आसपास है ना, स्टैचू बहुत अच्छा बना रखा, लेकिन सामने देखो आप काली घटा कैसे छाई हुई है, ज़बरदस्त लग रहा है मौसम दो भाई, वो टाइम हो गया 5:15, ये सोचा था जब 5:15 हो जाएंगे उसके बाद हम अपना रुकने का ठिकाना ढूंढ लेंगे,
करीब जगह देखनी है, कोई भी पेट्रोल पंप आया जिसमें नू दिखा कि हाँ इसमें राम तला सका। हाँ 7-11 है, कुछ अपना खाना पीना ले सका क्योंकि ब्रेड खत्म हो गए सुबह, तो ब्रेड ले लेंगे, दूध ले लेंगे, है ना, वो चीज़ ले गए और खा पी कर सो जाऊँगे। तो अब जो भी पेट्रोल पंप आओगा, वैसे है तो छोटा मोटा शहर है, क्यों तो लागे से देख ले ट्रक का मेरे बटिया ने डर हाला गया मेरे। अरे यार आगे तो ट्रैफिक कम हो गया, पाछे तो मेरे भाई कान सुधा रखे हैं। वास्तु शाह जी कर रहा था सुबह सुबह कि जब चालू ने काना में रुई डाल लूँ। रुई भी निकाल ली थी मैंने क्योंकि मेडिकल किट है ना मेरे, तो रहे सारी चीज़ें तो निकाल ली थी भाई, मैं निकाल गए और काना उगा लूँ भाई। दिखा है कितनी तेज जा रहा है। चलो भाई जित रोकेंगे उड़ा आपको दिखाएंगे कि आड़ा जापा कैंपिंग करेंगे, टेंट कटवाऊंगे। भाई सूरज देवता था जब मैं सर्च करने लगा था कि कोई पेट्रोल पंप आएगा अपना तंबू गड़ाएंगे, करीब थी कोई पेट्रोल पंप नहीं आ लिया और पूरी स्पीड पे पेल रहे हूँ स्वीटों ने कि स्पीड तो चल स्पीड तो चल। देख ले अब कभी कभी ऐसा भी हो जाता है और गूगल बाबा कुछ नहीं बता रहे, मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर बता रहे हैं कोई है, अब 30 किलोमीटर तो नहीं जा जाएगा भाई, रात है इसलिए कुछ भी मिला वहीं पर रुकने की कोशिश करेंगे। कितनी बड़ी प्रतिमा भाई बुद्ध देवता की दिख रही है रात को। लो भाई पहुंच गए हैं यहाँ पे और आज थोड़ा स्वीटों ने परेशान भी किया और ऊपर से एक और परेशानी, लगभग 30 किलोमीटर के बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं। एक पेट्रोल पंप था यहाँ से 2 किलोमीटर पहले ही, लेकिन वो कल्ला पेट्रोल पंप था, उस पर कोई मतलब सेवन इलेवन या कोई भी शॉप नहीं थी खाने पीने की। और देखो यार पूरे दिन साइकिल चलाइए तो रात को तो खाना पीना पड़ेगा ही। ये पेट्रोल पंप है भाई, है ना, और यहाँ पे चार्जिंग लगा दिया अभी फ़ोन और टायर्ड हूँ भाई। स्वीटों ने क्या परेशान किया, स्वीटों की 2 ताड़ी तो पहले टूटी हुई थी, 2 ऐसे टूटी हुई थी, बीच में एक दूसरी थी, मतलब 2 ऐसे थी एक बीच में दूसरी थी, और बीच वाली भी टूट गई। अब वो ऐसे करके चल रही है। अभी सर्च कर रहा था कि कोई साइकिल शॉप है क्या आसपास, तो आगे वो 30 किलोमीटर आगे दिखा रही है मुझे, तो कल उसके पास जाते हैं भाई, 8 बजे ओपन होगी वो, देखते हैं जैसा भी है। बात चल रही हो लहरा के बलखा के बलखा के लहरा के, ऐसे चल रही थी ये सॉन्ग, याद आ रहा था मुझे जो वो चल रही थी। स्पीड नहीं, हवा, टाइम, लाइट भीतर बैग में, मतलब बढ़िया। अरीब टाइम क्या बच चुके हैं देखो, बंद हो गया था क्या ये टाइम बच चुका भाई। कोई नहीं यार जैसा भी है, ये चलेंगे तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी परेशानी तो होती रहेंगी। चलो दोस्तों इसी बात पे आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, तब तक खुश रहो मस्त रहो व्यस्त रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।